नमस्कार। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान की ओर से आपका स्वागत है। आइए पीएमएफएम योजना के क्षमता निर्माण घटक के अंतर्गत सीताफल के रेडी टू सर्व के प्रसंस्करण वीडियो प्रदर्शन सत्र के बारे में जानते हैं। सीताफल एक स्वादिष्ट और व्यावसायिक तौर पर महत्वपूर्ण फल की फसल है, जिसमें सुखद स्वाद, हल्की सुगंध, मीठा स्वाद, अच्छा पोषण और औषधीय मूल्य होते हैं। यह फल मीठा और थोड़ा तीखा मलाईदार बनावट वाला होता है। सीताफल एक उष्णकटिबंधनीय फल है जो मुख्य रूप से उष्णकटिबंधनीय जलवायु में उगाया जाता है। इसे शरीफा या कस्टर्ड एप्पल के नाम से भी जाना जाता है। यह पूरे भारत में व्यापक रूप से पाया जाता है। इसकी खेती पहाड़ी इलाकों और बंजर भूमि में बड़े पैमाने पर की जाती है। ये विटामिन सी से समृद्ध होती है, जो प्रतिरक्षा और कोलेजन उत्पाद को बढ़ावा देने में मदद करता है। इसमें अच्छी मात्रा में आहार्य फाइबर होता है और वसा ना के बराबर होती है। सीताफल पके हुए फलों को बिना सड़न के केवल 1 से 2 दिनों तक ही संग्रहित किया जा सकता है। तुड़ाई के बाद परिवहन और विपणन के दौरान फलों का तेजी से नर्म होना विशेष रूप से एक प्रमुख समस्या है। इस समस्या से निपटने के लिए प्रसंस्करण की आवश्यकता होती है। कुछ मूल्यवर्धक उत्पाद जैसे पीने के लिए तैयार पेय पदार्थ, आइसक्रीम, स्क्वैश और टॉफी पोषण क्षमता का लाभ उठाने और बाजार में एक नया स्वाद जोड़ने के लिए तैयार किए जा सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको चरण दर चरण दिखाएंगे कि सीताफल से आरटीएस कैसे बनाया जाता है। आरटीएस एक प्रकार का खाद्य पेय है, जिसे परोसने से पहले पतला नहीं किया जाता है, इसलिए रेडी टू ईट कहा जाता है। आवश्यक उपकरण के प्रकार, इस प्लांट के लिए फ्रूट पल्पर, होमोजेनाइजर, स्टेनलेस स्टीम जैकेट, केतली, मिक्सिंग टैंक, बोतल भरने की मशीन, बोतल वॉशिंग मशीन, क्राउन कॉर्किंग मशीन की आवश्यकता होती है। सहायक उपकरण, सहायक उपकरण में बॉयलर, वर्किंग टेबल, तराजू, सहायक बर्तन, चाकू और ट्रॉलियों की आवश्यकता होती है। फलों का चयन, प्रसंस्करण के लिए अच्छे से परिपक्व और पके हुए सीताफल ही लेना चाहिए। धुलाई, गंदगी हटाने के लिए फलों को क्लोरीन युक्त पानी और बाद में नल के साफ पानी से धोएं। गूदा निकालना या रस निकालना, सीताफल के फलों के प्रसंस्करण में गूदा निकालना एक बड़ी बाधा है, क्योंकि गूदा निकालने के 1 घंटे के भीतर उनमें एंजाइमेटिक ब्राउनिंग की समस्या विकसित हो जाती है। सीताफल के फल से गूदे और बीज अलग करने के लिए बाजार में अर्ध एवं पूर्णित स्वचालित मशीनें उपलब्ध हैं। प्राप्त किए गए गूदे को एक समान मात्रा में पानी डालकर मसल कर पल्पर की प्रक्रिया से गुजारा जाता है, जिससे उसका छिलका व बीज निकल जाए। गूदे को निकालने के बाद उसे नरम करने के लिए 80 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है। मिश्रण, प्रत्येक 1000 लीटर गूदे के लिए हमें 450 किलोग्राम चीनी, 2.3 किलोग्राम साइट्रिक अमल, 5200 लीटर पानी और 1 किलोग्राम परिरक्षक की आवश्यकता होती है। वाटर जैकेटेड मिक्सिंग टैंक की मदद से चीनी मिलाकर चाशनी तैयार कर लीजिए। अब फल का गूदा, साइट्रिक अमल, रंग, स्वाद एजेंट, एसिडिटी रेगुलेटर, एंटीऑक्सीडेंट मिक्सर में डालिए। RTS के लिए FSSAI निर्देशों के अनुसार जूस पल्प की मात्रा 10% से कम नहीं होनी चाहिए, TSS 10% से कम नहीं होनी चाहिए, कृत्रिम मीठे एजेंट की अनुमति नहीं है, प्राकृतिक रंग और स्वाद उपयोग किया जाना चाहिए, ना कि कृत्रिम रंग और स्वाद, अम्लता का उल्लेख 3.5% से अधिक नहीं होना चाहिए, सभी जानकारी लेबल पर होनी चाहिए। समरूपीकरण, मिश्रण को समरूप बनाने की इस प्रक्रिया में गूदे का एक समान मिश्रण तैयार करने के लिए गूदे को यांत्रिक तकनीकों और तापमान में वृद्धि की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। पाश्चीकरण, मिश्रण को किसी भी सूक्ष्म जीवी विकास को हटाने के लिए पाश्चीकृत किया जाता है। पाश्चीकरण प्रक्रिया 90 डिग्री सेल्सियस पर 25 मिनट के लिए किया जाना चाहिए। परिरक्षकों का मिश्रण, परिरक्षीकृत आरटीएस पेय पदार्थ को 70 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा किया जाता है और परिरक्षक मिलाकर अच्छी तरह हिलाया जाता है।
RTS स्ट्रिंग को 70 ppm SO2 या 120 ppm बेंजोइक अम्ल डालकर संरक्षित किया जा सकता है। बॉटलिंग, पहले से रोगाणु रहित कांच की बोतलों में गर्म पेय पदार्थ भरें, बोतलों को कॉर्क करें और बोतलों को 20 से 25 मिनट तक उबलते पानी में डालें। ठंडा करना और भंडारण, अब बोतलों को सामान्य तापमान पर ठंडा करें, RTS पेय पदार्थ की परिवेशक के तापमान पर संग्रहित करें। इन पेय पदार्थ का शेल्फ जीवन 180 दिनों तक होता है। अब तक आपने सीताफल के रेडी टू सर्व की आधुनिक प्रक्रिया का प्रदर्शन वीडियो और PMFM योजना के आधुनिक प्रसंस्करण देखा। यह PMFM योजना के अंतर्गत राज्य और यूटी सरकारों के साथ साझेदारी में सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के उन्नयन के लिए वित्तीय तकनीकी और व्यावसायिक सहायता प्रदान करने के लिए भारत में केंद्र प्रायोजित प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों की औपचारीकरण योजना शुरू की है। PMFM योजना के दिशा निर्देशों के बारे में विवरण के लिए विभिन्न खाद्य प्रसंस्करण और प्रदर्शन वीडियो और DPR के लिए कृपया हमारी वेब लिंक पर जाएं। धन्यवाद।